शिवम, सबसे पहले तो तुमको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। शिवम, मैं बस जानना चाह रहा था कि कितने सालों की मेहनत है और इस सफलता का श्रेय किसको दोगे? कैसे ये तैयारी की, इतनी बड़ी परीक्षा को पास किया है? सर, मैंने जब 2012 में इंटरमीडिएट पास किया था, उसके जी बाद मैंने एक साल आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करी। हाँ, उस टाइम सर शायद प्लानिंग अच्छी नहीं रही या कोई भी कारण था, जिस वजह से मुझे सफलता नहीं मिल पाई। अच्छा, लगभग दिन भर में कितने घंटे पढ़ाई होती थी? सर 10 से 12 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी दिन में सर, रेगुलर बेसिस पर। सर मेरे पापा मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। जब भी अगर मुझे कोई भी फेल्योर मिलता था, जैसे आईटी में नहीं हुआ, तो हमेशा पापा बोलते थे कोई बात नहीं, तुम आगे अच्छा जरूर करोगे। मतलब अपने पास्ट को भूल जाओ और फ्यूचर पे हमेशा फोकस रहो। तो सर मुझे अपने पापा की ये बात बहुत अच्छी लगती थी और हमेशा सपोर्टिव रहे हैं सर मेरे पापा। सर जब मैंने बीटेक स्टार्ट किया था, पहले तो लग ही नहीं रहा था कि बीटेक मेरा कंप्लीट हो पाएगा। मतलब इतना ज्यादा पैसा लग रहा है आजकल बीटेक के लिए। लेकिन फिर पापा ने बोला कि टेंशन ना लो, एजुकेशन लोन ले लेंगे या कैसे भी हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे, और बीटेक के बाद तुम अच्छा कर ही लोगे कुछ। तो सर हम लोगों ने स्टार्टिंग में सर एजुकेशन लोन लेना पड़ा था हम लोग को यूको बैंक से। तो सर लोन लिया था, फिर उसके बाद भी कई जरूरतें थी जो नहीं पूरी हो सकती थी आसानी से, जैसे लैपटॉप जरूरत रहता था प्रेजेंटेशन के लिए और भी कई सारी चीजें। तो सर उसको भी सर एजुकेशन लोन के थ्रू ही कम्प्लीट किया। और बाकी बुक्स उसके लिए सर फ्रेंड से बुक्स ले लेते थे, कुछ भी जरूरत लगती थी तो फ्रेंड से बुक लेके पढ़ लिया, लाइब्रेरी जाके पढ़ लिया सर।